नमस्कार, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। अंडमान निकोबार में फंसे छात्र जो मेलन में पढ़ते हैं, उन्हें परीक्षा लिखने मेलन जाना था, प्रशासन द्वारा बोट उपलब्ध नहीं करवाने के वजह से वे नहीं जा पा रहे हैं। छात्रों का कहना है उनके प्रैक्टिकल्स और क्लासेस शुरू हो चुके हैं और अगले हफ्ते से परीक्षा भी शुरू होने जा रहे हैं। ऐसे ही फंसे एक छात्र जिनका नाम शिवानी मंडल है, जो हडबे के निवासी है, उनसे हमने बात की। उन्होंने बताया कि वे हडबे के तहसीलदार ऑफिस में 9 तारीख को आवेदन जमा करवाया था और अब तक ना उन्हें बोट का टिकट मिल पाया है और ना ही हेलीकॉप्टर का। अंडमान निकोबार प्रशासन को इस तरह से फंसे इंटर आइलैंड के जितने भी छात्र हैं, उन सभी को परिवहन मुहैया कराना चाहिए, ताकि छात्र अपने कॉलेज जाकर अपनी पढ़ाई को जारी रख सके और अपनी परीक्षा दे सके। चलिए सुनते हैं शिवानी ने क्या। नमस्कार, न्यूज आप तक से बोल रहे हैं। ओके, एक्चुअली मेरा कॉलेज खुल चुका है 12 तारीख को ऑलरेडी। हम लोग का प्रैक्टिकल चल रहा है अभी और एक हफ्ते बाद फाइनल एग्जाम चलेगा, मतलब शुरू हो जाएगा। अभी तक प्रैक्टिकल चल रहा है और 12 तारीख को खुल गया है कॉलेज। तो हम लोग यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था, तो इसीलिए ये हफ्ता में मंडे और फ्राइडे को हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्ट उन लोग अलाउ किए थे। 9 तारीख को हम लोग अप्लीकेशन सब कुछ भर दिए थे, लेकिन उन लोग टिकट नहीं दिए। ओके, नहीं लास्ट बोट कब आए थे वहाँ पे? लास्ट बोट नहीं, बोट था ही नहीं एक महीना से। ओके ठीक है, तो ये बताइए, आपने एप्लीकेशन दे दिए, आपका कहना ये है कि दो ट्रिप जो है आपका ये पवन का हेलीकॉप्टर आया हुआ था आप लोगों को लेकर। हाँ, दूसरी बात ये है कि बात किए थे, रिक्वेस्ट किए थे, और जो मतलब खुल गया है कॉलेज, इसका जेरोक्स लेके उन लोग को सबमिट किए थे, फिर भी उन लोग टिकट नहीं दिए। फिर आपने कॉलेज में बात की है, ये प्रॉब्लम आपने कॉलेज में बताया आपका एचओडी? हाँ, बताए जी। तो उन्होंने क्या कहा? उन लोग के लिए कुछ नहीं है, उन लोग का आपका प्रॉब्लम है, आपको आना है, आपको एग्जाम देना है, क्योंकि हम अकेली स्टूडेंट तो नहीं है ना वहाँ पे। हाँ वो तो ठीक है। अंडमान में आपके साथ में कितने लोग हैं उस कॉलेज? अंडमान से सिर्फ मैं अकेली हूँ, मेरा कोर्स है, हम अकेली है। तो अभी आपका कहना ये है कि अगर आप जा नहीं पाओगे तो आपका ये फर्स्ट ईयर का फाइनल एग्जाम लिख नहीं पाएंगे। हाँ, फाइनल एग्जाम लिख नहीं पाएंगे, और ये एक हफ्ता मेरा प्रैक्टिकल चलता है, अगर ये सब हम नहीं सीखेगी तो फाइनल्स में अगर हम लिखेगी भी तो हम अच्छा नंबर से पास नहीं हो पाएगी। तो आपका कहना इस बार तो पूरा ऑनलाइन जी, आपका कहना ये है कि अभी जो है प्रैक्टिकल चल रहा है, अभी भी फिलहाल चल रहा होगा। हाँ, तो वो आप अटेंड नहीं कर पाएंगे तो आपको एग्जाम ठीक से दे नहीं पाएंगे ना, आप वही कहना चाह रहे हो? हाँ, और एग्जाम तो सामने एक हफ्ता में है, अगर हम नहीं जा पाएंगे तो वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा, वहाँ पे सेटल होना पड़ेगा, वहाँ पे हॉस्टल में रहना पड़ेगा। आप अडबे में किसी से बात की है? आप तहसीलदार से या किसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट या? बात की उन लोग, हाँ जी, तहसीलदार से बात करने टाइम उन लोग सुनते नहीं है, उन लोग बोलते हैं कि यहाँ से एप्लीकेशन सीधा पोर्टलर में जाता है तो वहाँ से सब कुछ करना पड़ेगा। तो आप पोर्टलर ही नहीं जा सकेंगे तो फिर कैसे करा पाएंगे? एग्जैक्टली, बट उन लोग सुनते नहीं है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।